सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्लोके दुर्ग शिववाद देवित्वद्ध सर्वे सर्वकार्य विधायिने कलोहे कार्य सिद्ध्यर्थमुपाय ब्रोहिरत्नतः देव्योवाच श्रोदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वे सुसाधनम् मया तमेव स्नेहेन बिम्ब सुषे प्रकाशते श्री दुर्गा सप्तश्लोके सप्तमन्त्रस्य नारायण ऋषिः प्रणष्टवचन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा विद्यासं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः देवी भगवती फलदाकृश्य मोहाय महामाया प्रयश्यते दुर्गे स्मृता हरिशिवे जमज जयन्त स्वस्ते स्मृता मधिमते शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखवयहारिणिकात्वदन्य सर्वोपकारकरणाय सदा सचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वातुसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते शरणागतलीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशार्दि हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्ताय नो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते रोगानशेषान्नभृष्टादुकामानुसकलानभेदान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधां प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्वद्वैरि विनाशन ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गास्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि सुरस्य कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सरे ॐ सति साध्वे भव प्रीत भवने भववाचने आया दुर्गा जयाचार्यत्रशूलधारिणे पिनाकधारिणे चित्रा चण्डघण्टा महातमा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरोपाचिताशिले सर्वमन्त्रामये सदा सत्यानन्दा स्वरूपिणे अनन्ता भाविने भाव्या भव्या भव्या सदा गदे शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्षयज्ञाविनाशने अपहरणाने कवर्णा च पाटला पाटलावदे पट्टम्बलपरिधान कलमञ्जीरञ्जने अवेयविक्रमा क्रोरा सुन्दरे सुरसुन्दरे
वन दुर्गा च मातंगे मतंग मुनि पूजित भ्रामी माहेश्वरी चंद्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुंडा देव महाराजे लक्ष्मी जयपुर जागृते विमलोदकर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिद बहुल बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशंब शुंब हरणे महिषासुर मर्दने मदकैटव हन्द्रे च चण्डमण्डा विनाशने सर्वासुर विनाशा च सर्वधर्मघर्जिने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वाश्रधारिणे तथा अनेक शास्त्रहस्ता च अनेकाश्रधारिणे कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवतेरते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रद महादये मत्तकेशे घोररूपा महाबल हरिशालालद्रमुखे कालरात्रे सवस्विने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरे जीवधोते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिने यादम् भवने नित्यम् दुर्गा नाम शताशक नासाध्यम् विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धर्मदण्डम् सुदुर्गायाम् अयमस्मिन्नमेव च चतुर्वर्गम् तथा चन्द्रे लभेत् मुक्तिम् च शाश्वते कुमारे पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरे पूजयत्वया भक्त पठे नाम शताशक सत्य सिद्धिर्म मे देवे सर्वे सर्वैरवे राजानो दोषलाभ्यान्ते राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्षणकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलक्ष्ययन्द्रम् विलिना विदिज्ञ भवेत् सदा धार्यते पुरारे भौमावर्षनिशामग्रे चन्द्रे शरविशाङ्गरे विलक्ष्य भवने स्रोत्रम् स भवेत् सर्वदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधे के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से
जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्या सकमतरो बीजं द्विगबन्धदेवतास्तत्त्व श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीमठगत्वेन यपि विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयवाच। ॐ यद्वयं ब्रह्मलोके सर्वलक्षकर्मिण यज्ञकस्य चिदाख्यातं सर्वे लोहे पितामह ब्रह्मवाच। अस्य भयतमं विप्रः सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासौ कवचं पुण्यं षड्वर्ष महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कोष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाशमम् नवमं सिद्धिधात्रे च नवदुर्गाः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निनादयमानसो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव मयास्तः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चिदशुभव्रणसङ्कटे नापदं दस्य मन्यामि शोकदुःखमयं नहि देशभक्तानुदानोऽनं देशावृद्धि प्रजायते ये त्वां सहन्ति देवेशि रक्षचेतानसंशयः प्रेतसंसाधु चामुण्डा पाराहि महिषासन एन्द्रेकसमारूढा वैश्वमे गरुडासन माहेश्वरे वृषारूढा कौमारेषु किमाहन लक्ष्मेः पद्मासना देवे पद्महस्तहरिप्रिय श्वेतरूपधरा देवे ईश्वरे वृषपाहन ब्राह्मे हस्तसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतावतरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाट्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिमालं सामुसलायुधं केटकं दोपरं चैव परशुं दोषमेव च कुन्दायुधं दशोलं च जालकमायुधमत्तमम् दैत्यानां देहदर्शाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानिधं देवानां जहिताय वै नमस्ते महारात्रे महागौरपराक्रमे महाबले महासाहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रुणाभयवर्धिने प्राज्ञाभ्रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेऽपतु पाराहि नैरित्यां खड्गधारिणे प्रतीच्या वारुणे रक्षे वायव्या मृगवाहिने उदीच्या वादु कौमारी अशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वब्रह्माणि मे रक्षे अलस्तान्विष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डाशोवाहन जया मे जागृतः पातो विजया पातो प्रेषितः अहिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजित शिखामध्योतने रक्षमामूर्धे लभस्थित मालाधने ललाटे च प्रभारक्षे च शश्वने त्रिनेत्रा च प्रभुर्मध्ये यवगण्डासनाशिके शङ्खणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्धारवासिने कपालकालिकालक्षकर्णमूले दुशाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्च चर्षिका
अधरे चावृत कला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षत कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिकां घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया कदारुगे कामाक्षि योगं रक्षे वाच मे सर्वमङ्गलां ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवमयि कण्ठे नलिकां नलकोमले सकन्दयोर्गणे रक्षे वाहो मे वज्रधारणे अस्यादण्डने रक्ष अम्बिका च कुलेश च नखाशूलेश्वरे रक्ष कक्षरक्ष कुलेश्वरे सरारक्षेन्महादेवे मनाशोकविनाशने हृदय ललिता देवे उदरे शूलधारिणे नावाचकामिने रक्ष वैयेश्वरे तथा बोधलाकामिका व्रजम् उदय महिषवाहिने कट्या भगवते रक्ष जादुने विन्दवासिने जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिने गुलभयानाद सिंहे च पादभृष्टे सुदेशने पादाङ्गुलेषु जे रक्ष पादादस्थलवासिने नखादष्टाकलाले च केशादेवादकेशने रोमकोपेषु कौमेरे त्वजवागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासाम्यस्ति वेदासि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्रं च ममटेश्वरे पद्मापदे पद्मकोशे कवे चूडामणि सदा ज्वालामुखेण गज्ज्वालामवेद्या सर्वचन्द्रजो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां सत्येश्वरे तदा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारणे प्राणामाणौ तथा व्याणम् अदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणम् कल्याणशोभन रसे लोपे च गन्धे च शब्दे सर्षे च योगिने सत्त्वं रजस्तव देव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु आराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवे यथा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेर्पशोर्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षेर्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु वैरवे पन्थाणं सवता रक्षे मार्गं क्षेमकरे तदा रायद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वसहसिद रक्षाहीनं द्वयस्ताणं वर्जितं गवजेनुदो तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिने परमेकं न गच्छेतो जलेक्षेषो मात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राधला वर्षा विजया सार्वकामिकः यव्यचिन्तयलेकावर्दन्तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोके समवेत् पुष्ट्यः कवचेनामृतापमान् इदं दोरेभ्यः कवचं देवानामभिनोगमम् यः पठेद्भयतो नित्यं त्रिधन्यन्वितः देवी कला भवेतस्य त्रैलोकेश पराजितः जीवे वर्षसङ्ग्रमपमित्यो विवर्जितः नश्यन्देव्यादयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं देव कृत्रिमं व्याभियर्जय अवेचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजलः केचरा सेवा जलयाश्चोपदेशिका सहजा गुरुजा पाला डाकिनीशाकिनी तथा अन्तरिक्षाचरा गौरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतभिजाशास यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डा वैरवादयः नश्यन्ति दशरथस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्वरे राज्यश्रेयो वृद्धिकरं फलम् जससा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तयति दण्डे कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते शशेरवनकाननम् तावत् तिष्ठति मे दिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं शरणं यंसुरेरपि नूनवम् प्रापणोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन स मोदते
अथ अर्गलस्तोत्र ओम अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषेः अनुष्टुप छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीतये शक्तिशदेवाणाङ्गत्वेन यवे विनियोगः ॐ नमः सन्निकायै मार्कण्डेयवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाख्यवा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूताधिहारिणे जय सर्वदे देवि कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैरवमित्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि दश देहि दुशो देहि वैशाद्योनिर्णाथे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दश देहि दुशो देहि रक्तबीजापदे देवे चण्डमुण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि चुम्बसेवने चुम्बस्य चुम्राक्षस्थचमर्दने रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि वन्दिताग्निजुगे देवे सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि नरेभ्यः सर्वदा भक्तचण्डिकेतुरिजामहे रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि चण्डिके सदं यत्र अर्चयन्ति हि भक्तितः रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि विदेहि दुहितानाशं विदेहि फलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमांश्रय रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि सुरासुरथिरो रत्नानिकृष्टचरणयम्बिके रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि विद्यावन्दं दशवन्दं लक्ष्मीवन्दं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि प्रचण्डदैत्यधर्मग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि कृष्णेन संसुते देवे सरस्वतभक्त सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि देवि प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशने रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि देवि भक्तजनौ धाम दत्तानन्दो देयम्बिके रूपं देहि जयं देहि दुशो देहि दुशो देहि पत्ने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य गुरो भव इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशति संज्ञा परमापणोति सम्पदम् अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषेः अनुष्टुपछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यः सप्तशदेवाणागत्वेन यपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुरे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सौमार्दधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामविकीलकम् सोऽपि क्षेममाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः
सत्यं जगनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामि मामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शिव स्तोत्रं वैचण्डिकायासु तच्च गुप्तं जगारत समाप्तिर्णय पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणा सोऽपि क्षेमम् आप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्या वा समाहितः तदा देवन्नाथेन्दण्डशेषा प्रसीदते इत्थरूपेण कीलेन महादेवेन कीलेन यो निष्कीलाभिधायेण नित्यं ज्योति स गुणम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्व जायते नरः न देवापरतस्तस्य वयं क्वापि ह जायते दापमित्यवशं याति मृता मोक्षमप्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यते ततो गत्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादिकञ्च दृश्यते नरनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदं शिव क्षणेष्टो याप्यमाने स्वस्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहारि परमोक्षः श्रूयते साणकिङ्गलैः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र ैष्णविलोदिलन्दनुते गिरिमरविन्दजलोदिलिव दिलिविष्णुविलाशिलिसुनुते भगवति शिलिकण्ठकटुम्बिनि भोरि कटुम्बिनि भोरि कृते जय जय हे वैलासुरमर्दिनि रम्यदुवादि जयलसुते ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮೈಲಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಗಮರ ದಿನಿ ಜಯ ಲಸುರೆ ಸರುಣ ರುಜಂಗರ ರಕ್ಷಣ ಸಂಗ ಪರಿ ಸ್ವರ ರಂಗಣ ಗಂಗಣ ಜಯ
Jaya Jaya
अब अंतिमकालीन लास्ट पेज पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणे शब्द का नाद होगा तीन बार ओम को उच्चारण किया जाएगा आपसे भक्ति जन भक्ति भाव से हृदय से वाणी निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है इसमें जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के
इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय माघ महीना चल रहा है, माघ शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है और इस समय गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं। गुप्त नवरात्र का भी आज सप्तम नवरात्र है, माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो बड़ी ही विशेष तिथि जो बतलाई गई है। माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी ये सूर्य सप्तमी कही गई है, बौंडो सप्तमी, अचला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, पुत्र सप्तमी, जो परमोक्ष देने वाले जो सप्तमी तिथि जो है इसका बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है, जिसमें किया हुआ जो है पुण्य कर्म, स्नान दान जप पाठ, इसका अनंत गुणाफल होता है। और ये तिथि जो है परमोक्ष को देने वाली ही, आरोग्यता को देने वाली ही, इसलिए जो पुत्र सप्तमी है अर्थात संतान सुख को भी देने वाली ही। और आज के दिन जो है विशेष करके जो है ये सप्तमी के दिन जो है भगवान सूर्य की विशेष पूजा की जाती है, माँ भक्ति शक्ति की उपासना की जाती है, क्योंकि गुप्त नवरात्र भी है। और दीपदान, दीपदान जो है जो बहते हुए जल जहां कोई सरोवर है वहां पर जो है दीप प्रज्वलित कर करके ढूंढने में जो है उसको जो है वहां पर जो है दीपदान करना चाहिए, इसका बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है। तो इस प्रकार से मनुष्य को वास्तव में प्रतिदिन जो है कल्याण के मनुष्य को जो है कुछ न कुछ धर्म कर्म जो है भगवान की आराधना, भगवान का ध्यान स्मरण पूजन पुण्य कर्म जप पाठ जो है ये करते रहना चाहिए। यही पुण्य कर्म जो होते हैं ये मनुष्य का भाग्य कहलाते हैं, जिन पुण्य से जो है मनुष्य के पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, कष्ट दूर होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन यात्रा सुखद होती है, और इतने नहीं पर लोग भी सुखद हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। जो बड़ी देव कृपा होती है, बिना देव कृपा के इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होना असंभव है। कहते हैं कि वह एक राजा जो थे जिनके जीवन का उद्देश्य था धन संचित करना, राज्य की वृद्धि करना, और जीवन भर इन्हीं कार्य में लगे रहे, कभी धर्म कर्म की ओर उसने ध्यान दिया ही नहीं। पहले राजे महाराजे जो है बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, लोक कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, राज्य ठीक प्रकार चलता रहे, प्रजा सुखी रहे, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट को दुख ना हो तो यज्ञ करवाते थे, साधु संतों को बुलाते थे, प्रवचन होते थे, ताकि लोग जो है सत्संग का लाभ ले सके। तो ये सत्कर्म जो पुण्य कर्म जो है, क्योंकि ये तप का फल होता है, तपो राज, तब से जो है ये धर्म कर्म करने से जो है सुख की प्राप्ति होती है, राज्य की प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य की जो है मनोलक्षित कामना होती है वह सब पूर्ण होती है। कैसे? जी सत्कर्म करने से। तो राजा जो है जीवन भर लगे रहे धन संचित करने में, मनुष्य जीवन वास्तव में क्षण भंगुर ही, इसका पता नहीं कब समाप्त हो जाए, इसलिए साथ साथ जो है भगवान की साधना, भगवान की आराधना भी जो है ये धर्म कर्म भी करते रहना चाहिए। परंतु उसके जीवन में ऐसा सौभाग्य नहीं आया। राजा बड़े शक्तिशाली थे और जो कहते हैं कि एक दिन रात्रि को सोए हुए थे, रात में उन्हें काली छाया जो है दिखाई दी। काली छाया क्या है? काल का रूप है, जिसे हम आज जो सप्तम रात्रि आपको मैं बतला रहा हूं कि ये सातवां रूप जो है भगवती का महाकाली का है। ये काली जो है शत्रु विजय दिलाती है, ये काली जो है
ये काल का रूप धारण कर करके संहार का कार्य भी करती है। और काली का ये स्वरूप जो है, महाकाली का स्वरूप क्या है कि अंधकार, घने अंधकार की तरह जो है एकदम काला, बाल बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े जो है नेत्र हैं, जिब्बा बाहर निकली हुई है, चार भुजा है, एक हाथ जो है इनका भर मुद्रा में है, एक अवय मुद्रा में, एक हाथ में लोहे का कांटा है, एक में खड़ग है, और गर्द पर जो विराजमान है ऐसा इसका जो भयंकर रूप जो है, जिसे सुनते ही व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं। परंतु जो है ये भगवती महाकाली जो है, इसका एक नाम जो है शुभम करवी है, जिस शुभ को करती है, शुभ दीदी अर्थात भक्तों की रक्षा करती है और दुष्टों का नाश करती है। जो काली छाया जो है अर्थात काल का रूप धारण कर करके राजा के वहां महल में प्रकट हुई, राजा ने देखते हैं कि काली छाया एकदम काला स्वरूप है और आवाज दी, राजन कल सायंकाल को सूर्य अस्त से पहले ठीक समय पर ठीक स्थान पर पहुंच जाना। राजा ने पूछा है कि आप कौन हो और किस लिए, तो उसने कहा कि मैं काल हूं, तेरा समय आ चुका है, इसलिए मैं कल जो है सूर्य से पहले जो है आपको लेने के लिए आऊंगी और ठीक समय पर ठीक स्थान पर पहुंच जाना। राजा घबरा गए, वहां से काली छाया तो अंतर्ध्यान हो गई, घबराए, बुखला करके इस प्रकार से चिल्ला उठे, पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना आ गया। जब चिल्लाए तो सभी रानियां वहां पर आ गई, सेवक आ गई, मंत्री आ पहुंची, वैद्य आ पहुंची, राज्य को क्या होगा, बीमार होगी। अब एक तक जो है बस सामने देख रहे हैं, अब काली छाया दिखाई दे नहीं रही, सब उसकी ओर देख रहे हैं। राजा को पूछते हैं बार बार कि क्या हुआ, तब तो राजा ने कहा कि काली छाया जो ऐसा काला स्वरूप जो था जी मुझे सामने दिखलाई दिया और उसने मुझसे कहा कि राजन कल सायंकाल को ठीक स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाना, मैं कल तुझे लेने आऊंगी। जब मैंने पूछा कि क्यों किस लिए, तो उसने कहा कि तेरा समय अब हो चुका है, मैं तुझे लेने आऊंगी। तब मंत्र ने कहा कि सपन सपन होता है, ये सत्य नहीं होता है, फिर भी यदि आपको भय है तो ठीक है, आपको अगर ये बात लगती है कि वह छाया जो है आई है आपको लेने के लिए, तो आप ऐसा कीजिए, वह छाया तो वह काल रूप जो है इस महल के आगे पीछे ही होगा, तो इसलिए आप महल से निकल जाइए, कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाइए, दूर चले जाइए, और उसके बाद फिर लौट आना। और राजा को ये बात जो ठीक लगी कि मैं जल से चला जाऊंगा तो वह तो छाया इधर ही लेने के लिए मुझे आएगी सायंकाल को, तो मृत्यु को धोखा दे रहा है मनुष्य। हम सो जाते हैं परंतु काल सोता नहीं, हमारे सिर पर बैठा हुआ है, हर क्षण हर पल का ध्यान रखता है। जैसे समय हुआ तो सीताराम, काल बड़ा सतर्क रहता है, इसलिए कहा है एक शास्त्रों में कि मनुष्य को भी इस प्रकार से भगवान ने जो समय दिया, जो मनुष्य दे दिया, इसका सदुपयोग कीजिए। भगवान ने कृपा की है, सब प्रकार की शक्तियां आपको दी है, ज्ञान शक्ति दी, बुद्धि शक्ति दी, धन शक्ति दी, परिवार की शक्ति, सब कुछ मिला, और इस प्रकार से इन शक्तियों का सदुपयोग कीजिए, धर्म कर्म कीजिए, भगवान की आराधना, भगवती की उपासना, ये सत्कर्म जो कीजिए, इसी से जो है क्योंकि ये परलोक सुधारने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हो रहा है। दूसरी योनि में जो है जय जीव जो है कुछ नहीं कर पाता, वह तो भोग जोड़नी है, मनुष्य कर्म जोड़नी है, जो जहां करके वह कर्म करती है, इस लोक में अपना कल्याण करती है, और परलोक सुधारने के लिए जो है ये जीवन जो मनुष्य को प्राप्त हुआ है। जब जहां करके फिर इस संसार में फंस जाते हैं, इसी मोह में
धन माया के चक्कर में पड़ा रहता है और जीवन बीत जाता है और फिर काल जो है वह गले से आके पकड़ लेते हैं, तब तो बात भी नहीं करने देता। उस समय मनुष्य के जो है वाणी जो है बंद हो जाती, बोल नहीं पाते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, कौन मेरे सामने है, कौन मेरे पास है, क्या हो रहा है, कि परिवार को बतला तक नहीं सकता कि बकाल जो है मेरा सब कुछ जो ले ले, जीवन भर जो कुछ मैंने इकट्ठा किया है सब ले ले, दो मिनट का समय दीजिए मैं परिवार से बात कर सकूं, लेकिन वह समय नहीं मिलता। और राजा की ऐसी परिस्थिति आई, कोई ऐसा कोई सत्ज्ञानी सतपुरुष उसके पास था नहीं, कोई सदगुरु की प्राप्ति थी नहीं, कभी सत्संग में गया नहीं, तो कोई उसे बतलाता कि यदि उस परमात्मा ने आपको समय दिया है सायंकाल तक, तो कुछ अच्छा काम कर ले, अब भी समय है। राजा परीक्षित को जब जो है ऋषि ने शाप दे दिया कि सातवें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ये सांप डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित ने उस समय अपने बचने का उपाय सोच करके, उसने सभी संत महात्मा वहां पर आए, बड़े बड़े वैद्य भी आए कि सांप डसेगा तो औषधि होती है, ठीक हो जाओगे, मंत्र होते हैं, परंतु राजा ने सबसे यही कहा कि मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कुछ समय के बाद होगी, लेकिन होगी, क्योंकि जिसका जन्म उसका मन निश्चित है उसे ज्ञान हो गया था, क्योंकि जब शाप मिल गया तो उसे एहसास हुआ कि मुझसे गलती है, मुझसे अपराध हुआ है, तो राज्य का त्याग कर दिया, वैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य युक्त होकर के वह गंगा तट के किनारे चला गया और संत महात्मा से यही प्रश्न किया कि ऐसा कोई उपाय बतलाइए, ऐसा कोई कर्म बतलाइए, और विशेष करके मृत्यु जब सामने हो उस समय ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से जो है वह जीव जो है कल्याण को प्राप्त हो सके, वह मोक्ष प्राप्त कर सके। तो इसलिए अब राजा को समय तो मिला, परीक्षण जो है इस प्रकार से जब कहा तो उसको सब कुछ समाधान भी मिला, सुखदेव जी आए, सदगुरु मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, सात दिन जो है श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और परमोक्ष को प्राप्त कर लिया सात दिनों में। तो इसलिए इतने समय मिला, राजा को पहले पता चल गया, अभी हमें तो पता नहीं एक क्षण का अभी बात कर रहे हैं, दूसरा शब्द मुख से निकले कि ना निकले, एक श्वास का भरोसा ही नहीं है। तो उसे सायंकाल तक जो समय मिल गया तो भी जो है जब मंत्र ने कहा कि आप जहां से चले जाइए, तो राजा ने भागने की तैयारी कर ली, मृत्यु से भाग रहा है, घोड़ा तैयार हुआ, घोड़े पर सवार हुआ और राज्य से निकल पड़ा, और घोड़ा भी इतनी तीव्र गति से चला कि सायंकाल से पहले पहले राज्य से बाहर बहुत दूर भरा घोड़ा जो भाग गया। अब सायंकाल हो रहा था, राजा ने घोड़े को रोका, घोड़े से नीचे उतरा और घोड़े की पीठ थपथपाते हुए घोड़े का धन्यवाद करने लगा कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़े से समय में मुझे इतनी दूर ले आए, अब जो है वह काली छाया वह काल मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य से मैं भाग गया हूं, क्योंकि वो वहीं पर होगी। तो घोड़े की पीठ थपथपाते हुए जो है उसका धन्यवाद करते हुए कहने लगे, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू थोड़े से समय मुझे जहां तक ले आया इतनी दूर ले आया, और पीछे काली छाया। राजा की पीठ थपथपाते हुए कहने लगे, राजन तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, यही स्थान था तेरी मृत्यु का, यही स्थान था और तू ठीक समय पर जो है यही समय था, ठीक समय पर ठीक स्थान पर तू पहुंच गया, यदि वहीं रहकर धर्म कर्म करता राजा का कल्याण होता, क्योंकि जीवन याद रखना ये जो आप जप करते हैं, पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दीन दुखी की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, इससे पुण्य की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, यदि आयु पूर्ण हो चुकी है तो आपका परलोक सुधरेगा, ऐसा नहीं जो आप धर्म कर्म कर रहे हैं इसका फल नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएंगे कर्म आपके साथ साथ चलेंगे, आपका जन्म जो है जहां पर हुआ है, परंतु आप जहां से कहीं भी आप चले जाते हैं, कि विदेश भी जाते हैं, कर्म आपके साथ रहते हैं, फल कर्म जो है अपना फल देता है, अच्छा कर्म है चाहे बुरा कर्म है,
इसलिए जो है मनुष्य को हमेशा सत्कर्म जैसे करते रहना चाहिए। अब जो है काली शायर ने कहा तुझे कोई ऐसा सदगुरु मिला नहीं, तो इस समय मिला कि तू कोई धर्म कर्म कर ले, कोई अच्छा कर्म कर ले उस पर लोक के लिए, पर लोक के लिए तूने किया कुछ नहीं, इस संसार में तो लगे रहे ठीक राज्य की वृद्धि की, धन संचित किया परंतु उसका संयोग जो है आप नहीं कर पाए। इसलिए भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्वन मुक्त कलेवरम जा पर जाते स मदभाव जाते ना शास्त्र संशय। जो पुरुष जो है अंतिम श्वास में भी मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, मुझे याद मेरा स्मरण करता हुआ वह प्राण त्यागते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जब उसका कभी स्मरण किया नहीं तो उसका स्मरण आएगा कैसे, कभी नहीं आएगा। जिसको बहुत प्रेम करते हैं उसका एकदम स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। इसलिए शास्त्र में कहा है अपने इष्ट देव को अतिशय प्रेम कीजिए, जात करने की जरूरत पड़े नहीं, वह हमेशा आपके सामने ही रहे। ऐसी साधना ऐसी भक्ति जो है ये होनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे ही प्राप्त होते हैं जो मेरा अंतिम श्वास में यदि वह स्मरण करता है। यदि जीवन जिसका स्मरण किया नहीं वो जात आएगा कैसे। इसलिए जीवन में ऐसा नियम लें कि प्रतिदिन जो भगवती के शरणागत होकर के माँ के नाम का जप करें, माँ के स्वरूप का ध्यान करें। आप घर बैठे माँ के दर्शन कर सकते हैं। ये सारी यात्रा करते हुए प्रतिदिन जब प्रातः काल सायंकाल जो है आप माँ का स्मरण करते हुए आप दरबार में आए, इस पिंडी के रूप माँ के दर्शन करें, माँ के नाम का जप करें, माँ का स्मरण करें, देखिए माँ की कैसी कृपा होती है। आपका जीवन जो है प्रकाशमय होगा, कल्याणमय होगा, मंगलमय होगा, कभी कोई जीवन विघ्न बाधा जो है नहीं आएगी। कहते हैं कि सदगुरु और भक्ति के अभाव में जो है मनुष्य जो है उसी दुख के पास पहुंच जाते हैं, और जब पता चलते हैं तो समय बहुत देर हो चुकी होती है। जैसा राजा बड़ी देर कर चुका था, समय आ चुका था, अब उसके पास अब समय नहीं था, क्योंकि काल उस समय मौका नहीं देता बात भी करने का। पूरे परिवार जीवन भर जो है जिस राज्य के लिए सब कुछ करता रहा, आज राजा अकेला है, कोई नहीं वहां पर। इसलिए जो है कल्याण का मनुष्य को सदा सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन कुल कर्म जो है जो करते रहना चाहिए। यही धर्म कर्म जो है मनुष्य की मनुष्य का सब ओर से वह कल्याण करता है। परलोक के मार्ग ही धर्मन जीव एक उस परलोक मार्ग में यदि जीव को साथ नवाता है केवल मात्र यही धर्म जो है धर्मो रक्षित रक्षिता एकमात्र धर्म ही रक्षित किया हुआ रक्षित जो है धर्म जो है वही रक्षा करता है। यदि आपने धर्म का त्याग कर दिया, धर्म का पालन नहीं किया, धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। धर्म कर्म करने से ही रोग से मुक्ति मिलती है, धर्म कर्म करने से ही मनुष्य सर्वत्र विजय को प्राप्त होते हैं, और धर्म से ही उसका परलोक सुधरता है। इसलिए धर्म जो है जय श्रेष्ठ कर है, इसी को अपनाना चाहिए, इसको ध्यान करना चाहिए। जो धर्म से कभी विचलित नहीं होते और शास्त्र भेद कर्म करते हुए जो है कभी धर्म का त्याग नहीं करते, धर्म के मार्ग पर चलते, धर्म को कर्म करते हैं, उनका जीवन कभी भी अनिष्ट नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज गुप्त नवरात्र के सप्त नवरात्र के अवसर पर सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये सातवां सूर्य है माँ भगवती काल रात्रि का ही, ये काल रात्रि जो है ये सब भयों से जी मुक्त करती ही। रात्रि भय जो भगवती की उपासना करता है उसको कभी अंधकार रात्रि भय नहीं होता, उसको मृत्यु का भय भी नहीं होता, ना जल राशि से उसका भय होता है। भगवती का उपासक उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, शत्रु भय नहीं होता, क्योंकि जो भगवती की उपासना महाकाल की उपासना करते हैं ये भगवती शत्रुओं पर विजय दिलाती है। ना तो शत्रु भय होता है, ना रोग भय होता है, रोग से वह मुक्त रहता है, निरोगी जीवन जीता है, इसका किसी प्रकार से भय नहीं होता जो भगवती की उपासना करते हैं। आज के दिन जो है इस सातवें स्वरूप का ध्यान करता हुआ साधक जो है अपने मन की स्थिति सहस्र चक्र में यहां पर आ जाती है उसकी।
तो जो कोई कोई बिरला ही जहां तक पहुंचते हैं आगे चक्र तक, तो जो कल तक जो था इस प्रकार जो सात चक्र जो मैंने आपको बताया इन नवरात्रों में गुप्त नवरात्र के पहले दिन जो एक एक चक्र का महत्व मैंने बतलाया था, तो इस प्रकार से जो आगे चक्र में जब ध्यान करते हैं स्मरण करते हैं विशेष कृपा होती है तो मनुष्य के जो है सिद्धियों के द्वार खुलते हैं। और इस प्रकार से उसकी क्योंकि ये स्थान जो है ये आज्ञा चक्र ये जहां पर ये ज्ञान चक्षु है जिसकी हम साधना करते हैं, हम तिलक भी करते हैं जहां पर, इसलिए जो तिलक किए जाते हैं तो यह ज्ञान चक्षु जो मनुष्य की बुद्धि ठीक प्रकार से काम करती है, ज्ञान चक्षु जो खुलता है भगवती की उपासना से मां की साधना से, और फिर उसकी बुद्धि के निर्णय बिल्कुल ठीक होते, कभी बुद्धि के निर्णय गलत नहीं होते, और जिसकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है उसका कभी कहीं अमंगल हो नहीं सकता, सर्वत्र मंगली मंगल होते हैं। तो बड़े ही भाग्यशाली ही जो भक्तों को आज जो है अचला सप्तमी सूर्य सप्तमी के दिन जो है गुप्त नवरात्रों के अवसर पर इस भगवती इस सिद्धपीठ पर आकर के माँ के चरण में बैठ करके जो है पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा जब सौभाग्य प्राप्त होता है क्योंकि जो माँ की कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होते हैं और इस तरह से ऐसी पवित्र वेला में की हुई भगवान की आराधना भगवती की उपासना जब पाठ स्नान दान इसका अक्षय फल होता है, पुण्य का कभी नाश नहीं होता। माँ की इसी तरह से आप पर कृपा बनी रही और भगवती इसी प्रकार से आपको अपने चरणों में बस जोड़े रखे अपने दरबार में बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आप सभी भक्तजन जो है कल्याण देखें, सुख देखें, अवधि को देखें और आपके परिवार में सदा सर्वदा सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ, श्री जयपाल से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग देना सम्मिल कर बोला ताली बजाते हुए श्री जयपाल जी। जयकार श्रवणी जल बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को तेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आए, मेरी जगदम्बे आएगी। मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आए, मेरी जगदम्बे आएगी। मेरी बिगड़ी बनाने को, बिगड़ी बनाने को मेरी जगदम्बे आएगी। सभी हाथ खुल कर ढीली ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मराध्य पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता है। भरी दुनिया किसी का दर्द क्या जाने, ये साथ से भरी दुनिया किसी का दर्द क्या जाने, ये स्वार्थ से भरी दुनिया किसी का दर्द क्या जाने, ये साथ से भरी दुनिया किसी का दर्द क्या जाने। कोई निराश जीवन से है कोई सच क्या माने, कोई निराश जीवन से है कोई सच क्या माने, मुझ धीरज धराने को, मुझ धीरज धराने मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। मुझ धीरज धराने को, मुझ धीरज धराने को तेरी जगदम्बे आएगी, तेरी उजड़ी बसाने को मेरी जगदम्बे आएगी, तेरी जगदम्बे
बसाने को मेरी जगदम्बे आए, मेरी जगदम्बे आए गो। ओ मेरी बिजली बनाने दो, बिजली बनाने दो, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी बिजली बनाने दो, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। मुझे माँ का भरोसा है, मुझे माँ का सहारा है, मुझे माँ का भरोसा है, मुझे माँ का सहारा है, मुझे माँ का भरोसा है, मुझे माँ का सहारा है, मुझे माँ का भरोसा है, मुझे माँ का सहारा है। भवानी की दया से ही मेरे दिल का गुजारा है, भवानी की दया से ही मेरा दिल का गुजारा है, मेरी मुश्किल हटाने को, मेरी मुश्किल हटाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। मेरी मुश्किल हटाने को, मुश्किल हटाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। हम मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को, मेरी जगदम्बे आए, मेरी जगदम्बे आएगी। मेरी बिगड़ी बनाने को, बिगड़ी बनाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। पवन का रूप धारी आई जब ही माँ वाणी पुकारा था, हो पवन का रूप धारी आई जब ही ये पुकारा था, माँ पवन का रूप धारी आई जब ही माँ वाणी पुकारा था, पवन का रूप धारी आई जब ही माँ वाणी पुकारा था। जगत ज्ञानों का हर एक काम मैया ने सवारा था, भक्त ज्ञानों का हर एक काम मैया ने सवारा था। मेरी लाज बचाने को, लाज बचाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। मेरी लाज बचाने को, मेरी लाज बचाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी उजड़ी बसाने को, मेरी जगदम्बे आएगी, हाँ मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी, मेरी जगदम्बे आएगी। जयकारा शेरावाली का बोल के दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जयकारा मेरी शरावाली मैया जी दा दरबार की जय। हो कोई गुण ना मैया जी, कोई गुण ना, 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 हो मेरे बीच ना मैया जी,
गुण कोई अगणा दी मैं परिया जी गुण कोई औगणा दी मैं
पल्ले दौलत पल्ले ना दौलत 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 पल्ले कीकण में जाती नू मना अगण दिन परिया कीकण में जाती नू मना अगण दिन बोल सच्चे दरबार की जय मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा मुझे तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा ना मैं जानी न योगी हूँ तपस्वी हूँ न जाने हूँ ना मैं ज्ञानी न योगी हूँ तपस्वी हूँ न जाने हूँ ना मैं ज्ञानी न योगी हूँ तपस्वी हूँ न जाने हूँ ना मैं ज्ञानी न योगी हूँ तपस्वी हूँ न जानी हूँ तेरे सुमिरन की आशा है करा लोगी तो क्या होगा तेरे सुमिरन की आशा है करा लोगी तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा शरण में अपने बुला लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा जहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के साथी है यहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के साथी है यहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के साथी है यहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के साथी है दया कर मुझको सुत अपना बना लोगी तो क्या होगा दया कर मुझको सुत अपना बना लोगी तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा में मुझको भी अपनी बुला लो ये तो क्या
दोषी तो क्या होगा, मैं जिसका हूँ ये झगड़ा तुम छुपा दोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों से लगा लोगी तो क्या होगा, शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा, शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा, सुबह से शाम तक जगते झमेलों में भटकता हूँ, सुबह से शाम तक जगते झमेलों में भटकता हूँ, सुबह से शाम तक जगते झमेलों में भटकता हूँ, सुबह से शाम तक जगते झमेलों में भटकता हूँ, बड़ा बेचैन रहता हूँ संभालोगी तो क्या होगा, बड़ा बेचैन रहता हूँ संभालोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा, शरण में मुझको भी अपने बुला लोगी तो क्या होगा, शरण में मुझको भी अपनी बसा लोगी तो क्या होगा, सुना है आज तक तूने अनेकों पाठ की दारे, सुना है आज तक तूने अनेकों पाठ की दारे, सुना है आज तक तूने अनेकों पाठ की दारे, सुना है आज तक तूने अनेकों पाठ की दारे, तूने मैं बिंदु सा पाठ मिला लोगी तो क्या होगा, सा पापी मिला लोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा, शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा, शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा, मुझे बसा लोगी तो क्या होगा, अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा, जयकार श्री रामानी ढोल सच्चे दरबार की जय, तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी, जयकारा मेरी शरणी मैया जीदा बोल सच्चे दरबार की जय, शिव जी गणेश मोए विष्णु शेष मोए, शिव जी गणेश मोए विष्णु शेष मोए, शिव जी गणेश मोए विष्णु के शेष माए, कर दिन पूजा तेरी ब्रह्मा जी तेरा है, कर दिन पूजा तेरी ब्रह्मा जी तेरा है, भगता प्यार आनु साथी जगार आनु उच्चे दवार आनु, तेरा पर नाम है तेरा पर नाम, मेरा परनाम है मेरा परनाम दाती मेरा परनाम है, ओ मेरा परनाम दाती मेरा परनाम है, मेरा परनाम दाती मेरा परनाम है, शिव जी गणेश मोए विष्णु शेष मोए, शिव जी गणेश माए विष्णु शेष माए, कर दिन पूजा तेरी ब्रह्मा जी तेराम है, कर दिन पूजा तेरी ब्रह्मा जी तेराम है, भगता प्यार आनू दाती जगार आनू
है मेरा सजदा है सुन तेरे पवन नु मैं मेरा सजदा है दीद कर मंदिरों दी मन नहीं ओ रजदा है दीद कर मंदिरों दी मन नहीं ओ रजदा है ओ सुन तेरे पवन नु मैं मेरा सजदा है सरकार दी मात दरबार दी हमारे सरकार दी मात दरबार दी जग बिच शान है जग बिच शान है जग बिच शान है जग बिच शान है तग ना प्यार आनु साथी दिच कार आनु साधु संत मैं मां तेरी गाउंदे ने देवी देव साधु संत मैं मां तेरी गाउंदे ने शक्ति है तेरी सारे शीश मानी भांदे ने शक्ति है तेरी सारे शीश मान भांदे ने हो देवी देव साधु संत मैं मां तेरी गाउंदे ने देवी देव साधु आए नवरात्रियां च माध जगरातियां च आए नवरात्रियां च माध जगरातियां च हुंदा गुण गान है हुंदा गुण गान है हुंदा गुण गान है हुंदा गुण गान है भगत प्यार ਰਾਤੀ ਦੇ ਜਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਦਾਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਦਾਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਹੈ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਦਾਤੀ ਤੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਹੈ ਚਰਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਚਰਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਚੜੇ ਨੀ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬਚੜੇ ਨੀ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਚਰਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਚੜੇ ਨੀ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬਚੜੇ ਨੀ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਜੋ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਾਵੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਜੋ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਾਵੇ ਜੋ ਮਈਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਈਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਈਆ ਤੇਰਾ
दरबार की जय आरोड़स भ्रमत गगने दक्षिणे चाक सूत्र धामे हस्त दिभ्यांभ्र कणकमय पुस्तक जन गम्य सभिना भदंत स्वकृत जपे शास्त्र विज्ञान शब्द प्रेरंत दिव्यूपा कर कमलधरा भारती सुप्रसन्न सचिय ज्योता वाली माता तेरी सदा जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिष्य ऋतु माघ मास की आज 30 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज सप्तमी तिथि ही मंगलवार तदनुसार 12 फरवरी सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पर्व पवित्र वेला में और विशेषतया माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी गुप्त नवरात्र के सप्तम नवरात्र के अवसर पर जो है माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पर्व पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञा भान भव भूर भूत करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैरि दर्भ दलनी व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देस्तु शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम अविदात शममानम हियते धनम धान्यम पशुं भूपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर बोला ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे ओम जय जय गुरु।
उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप
सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे समर्पण के भाव में। सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि दिशो देहि दिशो देहि यशो देहि ध्वजो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। और शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन माँ भगवती के नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना दिया जगरे दिव्य गुणगायदा मेरे कार्य करो अनेक जयमा आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण मयान कर लो सदगरी जो शरणा दास
ऐसे ही जोश बना रहे आपकी पूरे गज के, आप जब मिलके बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है। आज
भगवती माता रानी जी के दरबार में गुप्त नवरात्रों की सप्ती वाले दिन जगत जननी माता रानी जी के आंगन में बैठ के आपने ये जो तप किया, जगत जननी माता रानी जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये जय आप तक वो नहीं पहुंच रही, ऐसी आवाज गूंजनी चाहिए। पहाड़ों से होते हुए माँ का आशीर्वाद लेते हुए पूरे देश से आवाज आए, बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद जय
दोष दोष